पूरे हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाहि फी हाजिहि साअते व फी कुल्ले साअत मिन साअते लैल व नहार वलियन व हाफिजन व कायदन व नासिरन व दलीलन व आयना हत्ता तुस्के नहु अर्ज़का तवन व तुमत्तियहु फीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन बेहकल हुसैन इश्फे सदरल हुसैन बेजहूरल हुज्जत। या रब्बल हुसैन बेहकल हुसैन इश्फे सदरल हुसैन बेजहूरल हुज्जत। या रब्बल हुसैन बेहकल हुसैन इश्फे सदरल हुसैन बेजहूरल हुज्जत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल दरूद बार खानदान सैयदा सलावत। मजलिस पाक की कबूलियत के लिए मिलके आवाज़े बुलंद सलावत। नारे तकबीर माशाल्लाह काफी हजरात तशरीफ फरमा है। मिलके आवाज़े बुलंद नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे विलायत नारे विलायत कुल ईमान यक जबान नारे हैदरी हैदरी दरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहसियत आजादार बहसियत पुरसादार सैयदजादे का दरबार है आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दिए गए वक्त से एक मिनट पहले छोड़ देना है मैंने मिंबर और बहसियत मेहमान गुजारिश है कि आपने मेरे साथ साथ चलना है क्योंकि इंतहाई मुख्तसर वक्त में मैंने नौकरी पेश करनी है। मालिक के बेहतरीन मदा खान मेरे बाद तशरीफ फरमा है तो आप सब मोमिनीन की तवज्जोहात का तालिब हूँ और एक गुजारिश है कि काफी फासला है आपके दरमियान। हम बिला फसल के मानने वाले हैं, अगर जहमत ना समझे तो एक एक कदम आगे तशरीफ ले आए ताकि मजलिस का माहौल जो है वो बरकरार रह सके। दरूद पढ़ते आइए साथ मोहम्मद। इजाजत है नौकरी का चार मिस्रों से मुख्तसर हाजरी का किबला आपकी तवज्जोहात का तालिब आपसे दुआ लेने के लिए। फना की दुनिया में रुतबे बका के मिलते हैं तवज्जो है साहिबान की। देखे कमाल ये नहीं है कि जो चीज आपके पास मौजूद है वो आप किसी के हाथ पे रख दे। कमाल ये है कि दूसरे को वो चीज अता की जाए जो उसकी सोच से भी बालातर हो। आले मोहम्मद का करम क्या है, हुसैन बादशाह का करम क्या है, मैं बता रहा हूँ। फना की दुनिया में रुतबे बका के मिलते हैं तवज्जो है साहिबान। फना की दुनिया में रुतबे बका के मिलते हैं, दरे हुसैन से रस्ते खुदा के मिलते हैं। जिंदा रहे सलामत रहे। फना की दुनिया में रुतबे बका के मिलते हैं, दरे हुसैन से रस्ते खुदा के मिलते हैं। और नतीजा मातमी साहिबान के लिए पेश कर रहा हूँ। फना की दुनिया में रुतबे बका के मिलते हैं, दरे हुसैन से रस्ते खुदा के मिलते हैं। वो कायनात में अकबर का मातमी है फकत, हुसैन खुद जिसे सीने लगा के मिलते हैं। सलामत या अली शायर होने की हैसियत से चार मिसरे पैगाम के तौर पे और एक जुमला जिक्र मसाइब का। सोशल मीडिया का दौर है, जब भी मासूमीन के जहूर या शहादत के हवाले से अयाम करीब आते हैं तो आप सब ने देखा है क्योंकि आजकल हर बच्चे के पास भी मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तरह तरह के सवालात, तरह तरह की डिबेट्स, तरह तरह के मुबाहसे नजर से गुजरते हैं। चूंकि हम बाबुल इल्म के मानने वाले ऐसा है या नहीं, हम बाबुल इल्म के मानने वाले हैं। हमारा इमाम अली है, हमें जेब नहीं देता कि हम इखलाक से गिरी हुई बात किसी से करें।
तवज्जो है साहिबा। तो इन तमाम तर मसाइल का मेरे से कहीं दर्जे बेहतर मौला के शायर बैठे हैं आपसे दुआ लेने के लिए और अपना पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए कि वो जिनके वास्ते खिलकत के बाब खोले गए, ये जमीन आसमान सूरज सितारे सियारे निजामे शमसी ये पूरी कायनात, वो जिनके वास्ते खिलकत के बाब खोले गए, जो कायनात पे कुल इख्तियार रखते हों, दाद बेशक न दे मेरा पैगाम वसूल करने मेरी नौकरी तमाम, वो जिनके वास्ते खिलकत के बाब खोले गए, जो कायनात पे कुल इख्तियार रखते हो, जमीन वालों की बयत नहीं किया करते, जो आसमान से रैयत उतार सकते हो। सलामत रहे या अली, जो आसमान से रैयत उतार सकते, बाद रसूल के कुछ दिन जिंदा रही है रसूल की बेटी, किन हालात से गुजरी है, मैं चूंकि सैयद नहीं मैं उमती हूँ, बहुत कम मसाइब पढ़ता हूँ और बिल्कुल पर्दे में रह के पढ़ता हूँ, इशारतन एक जुमला आपके हवाले करना है ताकि शाम से आई हुई मखदूमा की बारगाह में हाजिरी मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल इशारे से बात कर रहा हूँ कि ऐसी मकतूला जिन्हें अल्फाज से मारा गया, अल्लाह हू अकबर, ऐसी मकतूला जिन्हें अल्फाज से मारा गया, बन गया था मकतले खैरुन निसा दरबार में, ऐसी मकतूला जिन्हें अल्फाज से मारा गया, बन गया था मकतले खैरुन निसा दरबार में, और नोके नैजा से भी गहरा जख्म था उस लफ्ज का, जब किसी ने सैयदा को तुम कहा दरबार। सामिन मोहतरम, ज़ेबे मिंबर हैं बुजुर्ग मद्दा जवार मोहम्मद अली।